हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से होती है। और भाई, अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलते हैं नीचे, खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं आज के दिन का क्या सीन है, कैसा आज का दिन जाता है। और भाई, अभी जो है लड्डू यहीं बैठ कर टी वी देख रहे हैं, हट देख रहा है, दिखाता हूँ मैं। ये मगन है हड्डी देखने में भाई। सो लड्डी, तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाबू, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तुम यही रह के देखो। जाने लगा तो बोल रहा मैं भी चलूंगा। सो आ जाओ। मैंने ब्लॉग वो कर लिया यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लिया। A few minutes later, बाइक वाले का जो है कॉल आया है अभी कि भैया आ जाओ एक बार और बाइक देख लो, मतलब बाइक में काफ़ी काम हो चुका है, तो एक बार आके देख लो और जो कुछ बचा है या कुछ जो भी मतलब गलत सही है वो बता देना, उसके बाद बाइक फाइनल हो जाएगी। तो भाई, अभी तक का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अभी फ़ोन आने के बाद प्लान बन चुका है। अभी जो है मैं रेडी हूँ और मैं जा रहा हूँ बाइक वाले के पास, तो चलते हैं बाइक देखते हैं भाई कहाँ तक काम पहुँच गया है, क्या क्या काम हो गया, उसमें क्या बाकी है, सो करवाएंगे। उसके बाद जो है जल्दी बाइक जो है अपनी हो जाएगी, बाइक की मॉडिफिकेशन पूरी हो जाएगी, तो रेडी हूँ मैं, चलते हैं फिर। कितना है? 400, ज़्यादा नहीं, 450 कर दो बस। A few moments later. So, बाइक में जो है पेट्रोल डलवा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ बाइक वाले के पास। तो मौसम जो है अभी हल्की हल्की धूप है, लेकिन जो है जो धूप है ये चुप नहीं रही है, तो मतलब अच्छा है, बाइक पे जाने में भी मज़ा आ रहा है। बाकी आगे का मौसम देखते हैं आगे चल के। और भाई, मतलब मेरा तो मन कर रहा है ना कि मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ। पहले ना मुझे पता नहीं था करोल बाग जाने का, मतलब जो शॉर्टकट रास्ता है, तो पहले ना भाई मतलब करोल बाग जाने का बहुत तगड़ा सीन था, बहुत ज़्यादा जाम से होकर गुजरना पड़ता था और मैं दूसरे रास्ते से जाता था, और उस रास्ते ना भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ही ज़्यादा जाम होता था। तो अभी जो है ना, मैं मतलब जिस फ्लाईओवर पर हूँ ना भाई, ये वाला रास्ता जो है ये बिल्कुल मतलब मेरे घर से शॉर्टकट रास्ता है, तो इसके बारे में मुझे पहले से अच्छे से पता नहीं था, इसलिए मैं ये वाला रास्ता यूज़ नहीं करता था। लेकिन भाई, अब जब से मतलब पता लगा ना, तो मैं इसी रास्ते जाता हूँ, और ये वाला जो फ्लाईओवर है ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, ये 30,000 से फ्लाईओवर निकलता है और सीधा फिल्मिस्तान पे उतरता है, और वहाँ से जो है करोल बाग मतलब कुछ ही डिस्टेंस पे है। तो ये वाला रास्ता मतलब बहुत छोटा था, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं था, बट अब जो है पता लग गया है, तो भाई आने जाने का ना बहुत अच्छा सीन हो गया है। पहले तो करोल बाग के नाम से ही मैं मतलब पीछे हटता था कि भाई करोल बाग जाना इतनी दूर है। नीचे होल हो गया एरा वायरिंग का, इसकी अच्छा। वायरिंग ये रही, और नीचे झुक के देखो एक नक्का लगा दिया ताकि वायरिंग लटकेगी नहीं, ये लगा। हाँ ठीक है, पूरा तरीके से काम करा एकदम सही। ये बैटरी का ये बोल्ट कस दिया, मगर तक करके हिलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे कुछ कवर लग जाता ना, यहाँ पे एक क्या नाम है चादर का टुकड़ा लगाऊंगा मैं अभी। मैंने ये सोचा, मैंने पहले भाई से पूछ ली एक चंद्र का टुकड़ा ना, ये दो रोड आ रही हैं ये वाली, इनमें दोनों टाके मार के दो इधर ऐसे सीधा लग जाए, कीचड़ नहीं जाएगी, कीचड़ और पानी ना जाए, बस ये पैक हो जाएगा ना, बैटरी कवर हो जाएगी, तो फिर गाड़ी कहीं बंद होने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे लगा देना यार, फिर एक यहाँ पे ना ऊंची लगेगी, बाइक का जो है ना
ऑलमोस्ट मतलब जो यहाँ का काम है ना वो फिनिश होने वाला है, मतलब हो ही गया है, बस थोड़ा फिटिंग वगैरह को लेकर और जो थोड़े 19-20 है वो बचा हुआ है, बाकी उसके बाद जो है ना बाइक मतलब ये फ्रंट से लुक है और भाई बहुत ही सही लग रही है, और मतलब साइड से जो है ना, पहले तो आप फ्रंट का ये लुक देखो, आगे में ये जो पैनल है ना हेडलाइट के ऊपर, ये मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे को बनवाना था, और मरगार्ड भी जो है बहुत अच्छा, ये तो पहले से बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा बन गया है। और साइड का जो पैनल है ना ये, तो भाई ये भी जो है अब कुल मिलाकर बनाने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बस इसकी थोड़ी फिटिंग में दिक्कत है, वो फिटिंग मैंने बता दी है कैसे कैसे करनी है, तो वो फिटिंग जब हो जाएगी ना तो भाई लुक जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और ये सीट का जो पैनल है तो इसके ऊपर जो है सीट जो फॉर्म लगने के बाद पूरी सीट हो जाएगी, और ये पीछे का लुक है, बैक का लुक, और अभी जो है मैंने मरगार्ड थोड़ा बोला है कि और चौड़े करने को क्योंकि थोड़ा पतला लग रहा है, और ये इस साइड का लुक है। और भाई मतलब बस बाइक में थोड़ा बहुत काम बचा है तो जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बाइक को जो है हम पेंट पे ले चलेंगे, पेंट का काम बचेगा इसमें, और पेंट का काम होने के बाद बाइक जो है अल्टीमेट लगने वाली है, अल्टीमेट। और भाई शायद ही इंडिया के अंदर मतलब ऐसी CBR होगी इस हद तक मॉडिफाई, और भाई मतलब बंदों ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। बाइक वाले के पास से जो है मैं निकल चुका हूँ, और भाई मैं जा रहा हूँ अभी एकेडमी, और ये जो है ना फ्लाईओवर, इसका लुक जो है रात को भाई गलती आता है, मतलब दिन में तो ऐसे नॉर्मल सा लगता है लेकिन रात को ना भाई बहुत ही अल्टीमेट लगता है ये फ्लाईओवर। सो ये फ्लाईओवर अपने वजीराबाद पे है और भाई बहुत सही लगता है इस टाइम तो। सो चलते हैं एकेडमी भाई, देखते हैं कुछ रील वगैरह बना लेंगे या फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद जो है घर चलेंगे। एक आधा रील बना ली है तो भाई ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके रील देखना और बताना कैसी लगी। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ घर, तो घर पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। मैं पहुँच चुका हूँ घर, और भाई मतलब बाइक का जो भी सीन था वो मैंने दिखा दिया, और बाइक जो है ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ा बहुत जो है फिटिंग का मतलब जो है थोड़ा 19-20 था तो मैंने बता दिया है, और वो अब जो है फिट हो जाएगा, तो अगली बार जब हम चलेंगे तो बाइक अपनी पूरी रेडी हो जाएगी, तो बाइक को मतलब लेके आएंगे, और उसके बाद जो है उसका पेंट वेंट का काम बचा होगा तो वो देखते हैं कहीं दूसरी जगह से कराएंगे। और भाई मतलब बस ये जल्द से जल्द अपनी बाइक बन जाए, इससे बड़ी क्या ही बात है। और बाइक जो है ना मतलब भाई बहुत सही लग रही है, बस थोड़ा फिनिशिंग का काम बचा है, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो बाइक जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, आपने देखा होगा उसमें जो है थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो हो जाएगा जल्दी, फिर उसके बाद बाइक लाएंगे, उसके बाद पेंट वेंट करवा के उसके बाद फाइनल जो है मैं आपको सारा सीन बताऊंगा बाइक का। ऑलराइट, तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और भाई ये वाला जो फिल्टर है ना ये मेरा फेवरेट है, मतलब भाई इसमें जो है तुम्हारा भाई फुल स्मार्ट लगता है। ऑलराइट गाइस, तो आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये वाला व्लॉग पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, व्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और भाई शेयर करना। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय।